गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स क्लास सिक्स. आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर फोर्थ नेम इज मोशन ऑफ द अर्थ. इस लेसन में लास्ट टाइम हमने रोटेशन, रिवोल्यूशन, समर सोल्टिस, विंटर सोल्टिस इनके बारे में पढ़ा था और ऑक्यूरेंस ऑफ सीजन भी पढ़ा था. ये आपको समझ में आया होगा. इस डायग्राम आपको जो दिखा दे रहा है इसमें बताया गया है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड चेंज ऑफ द सीजन. जब हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन यानी सन के आसपास चक्कर लगाना है. रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? सन के आसपास अर्थ का चक्कर लगाना रिवोल्यूशन कहलाता है. अब इस रिवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का और चेंज ऑफ द सीजन जिससे क्या होती है हमारे अर्थ पर सीजन यानी मौसम चेंज होते हैं. और इसमें आप देखिए सबसे ऊपर दे रखा स्प्रिंग इक्विनॉक्स है ना, जो होता है मार्च 20 या 21 को. अब इस टाइम पर क्या होता है स्प्रिंग सीजन आ जाती है ना, बसंत ऋतु. अब इसके बाद स्प्रिंग सीजन से वापस अपन आते हैं, स्प्रिंग से इतने टाइम में स्प्रिंग ही रहती. अब फिर समर सोल्टिस की बारी आती है. समर सोल्टिस मैंने आपको कल बताया था जो 20 या 21 जून को होता है ना, जिसमें क्या होता है कि जो सनरेज डायरेक्ट गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पर है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पर जब सनरेज गिरती है समर सोल्टिस कहलाता है. उसके बाद समर के बाद आती है समर यानी ग्रीष्म ऋतु है ना. समर के बाद बाद ये ऑटम की. अब ऑटम सीजन आ जाती है. अब ऑटम सीजन में जो होती है सितंबर 22 या 23 को है ना, जो बीच का पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सितंबर 20 या 23 जो तारीख बता रखी है ये बीच का पॉइंट है इस टाइम पे का. उसके बाद ऑटम निकलती फिर विंटर आ जाती है. जो विंटर का समय होता है 21 या 22 दिसंबर है ना. इस टाइप से फोर ये सीजन है हमारे अर्थ पर. ये चारों ऐसे बदलते रहते हैं. विंटर के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद समर, समर के बाद ऑटम, फिर ऑटम के बाद विंटर. ऐसे चारों सीजन चलते रहते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं अब क्या. द पोजिशन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. अब 21 मार्च एंड 23 सितंबर को अर्थ की पोजिशन क्या होती है? अब इस टाइम पर जो अर्थ की पोजिशन होती है वो इक्वेटर पर होती है. जो सनरेज जो डायरेक्ट गिरती है कहाँ? इक्वेटर पर. हमने समर सोल्टिस पढ़ा था. समर सोल्टिस में 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पर सनरेज डायरेक्ट गिर रही थी. अब विंटर सोल्टिस में क्या हो रहा था? 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनरेज डायरेक्ट गिर रही थी है ना. अब इन दोनों ट्रॉपिक के बीच की जो लाइन होती है वो इक्वेटर होती है. अब इक्वेटर पर जब सनराइज गिरती है वो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को गिरती है. ये तीनों आपको समझ में आया ना? चलिए प्रीवियस चैप्टर में इस डायग्राम को देखते हैं. इसमें जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंकर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो होती है वो किसे? इक्वेटर से ऊपर होती है. जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये पूरा क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर है. अब इक्वेटर से नीचे ये सारा क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर है. अब इसमें क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना. साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाई जाती है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पाई जाती है. तो यही बात हम कर रहे थे. चल अब जो इक्वेटर वाली लाइन है उस पर 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सनरेज डायरेक्ट गिरती है ना. सनरेज सन का जो पोजिशन होती है डायरेक्ट उन लाइन के ऊपर ही होती है इक्वेटर के ऊपर. अब हम बात कर रहे हैं द इक्वेटर टू मूव इन टू नॉर्थन हेमिस्फीयर. 21 मार्च जैसे निकलता है उसके बाद सन किस तरफ जाता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ जाता है ना. और जैसे 23 सितंबर निकलता है उसके बाद साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा सन मूव करने लग जाता है. चलिए इस डायग्राम में देखिए. जो ये गोल गोल आपको डॉट दिख रहे हैं ये अर्थ है. ब्लैक कलर के जो डॉट दिख रहे हैं वो अर्थ है और बीच में जो येलो कलर का जो पॉइंट दिख रहा है वो सन का है. अब इसमें सन के आसपास इस अर्थ अंडा का रूप में चक्कर लगाती है ना. बिल्कुल स्फेरिकल मतलब गोल, बिल्कुल गोल चक्कर नहीं लगाती, अंडा का रूप में लगाती है. जैसे ही डायग्राम में देखिए जो अर्थ है ना ऐसे चलकर ऐसे चलती है. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अर्थ और सन के बीच की दूरी में क्या होता है? चेंजेस होता है. जैसे यहाँ से और यहाँ में अर्थ की दूरी में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है. यहाँ पर अर्थ सन से बहुत दूर चल जाती है और यहाँ पर अर्थ सन के बिल्कुल पास आ जाती है ना. अब इसमें देखिए आप, ये है ऑटम इक्विनॉक्स. अब इसमें ये सितंबर 20
सेकेंड 22 सेकेंड या 23 सितंबर को ये टाइम होता है ऑटम इक्विनॉक्स का। अब यहाँ से अर्थ जब चलती है तब क्या होता है, ठंड का आना शुरू हो जाता है ना, विंटर सीजन का आना शुरू हो जाता है। तब यहाँ आते आते विंटर सीजन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना। ये टाइम है विंटर का, दिसंबर 21 या 22 सेकेंड। अब इसके बाद विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग आ जाती है ना। अब स्प्रिंग का टाइम होता है 20 मार्च या 21 मार्च। अब उसके बाद स्प्रिंग सीजन निकलती है, फिर धीरे धीरे समर का मौसम आ जाता है, समर सीजन जो जून 21 एंड 22 सेकेंड। उसके बाद सबसे ज़्यादा समर का पोर्शन यहाँ होता है। चलिए आगे देखते हैं, जब हमारे सन की जो रेस है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर गिरती है तब क्या होता है, हमारा पूरा जो विश्व है वो होल एक्सपीरियंस पूरा अनुभव करता है इक्वल डेज एंड नाइट का, जो इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती है, यानी दिन और रात का समय बराबर होता है इस टाइम पर पूरे दुनिया में। अब आगे देखते हैं अपन, अब देयर फॉर द पोजिशन आर कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स है ना। जब दोनों पोल्स के पास निकलती है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स आता है ना। यहाँ इक्विनॉक्स मीन्स होता है कि इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स है ना, दोनों दिन और रात का बराबर होना। थैंक यू, आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।